हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो देखो आज हम नाश्ते में क्या बना रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 4 और 4 बजे लग रही थी भूख, तो हमने बनाए, हमारे पास थे ब्रेड और थोड़े से आलू बॉईल किए हुए। तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा सा यूनिक सा एक नाश्ता बनाते हैं। तो ये हमने बनाया है ब्रेड और आलू का नाश्ता। तो ये कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखाऊँगी। और सबको राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देखो हमारा ये वाला नाश्ता आपको कैसा लग रहा है। तो इसे बनाने की विधि हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया हमने। तो ये हमने लिए बॉईल आलू, और बच्चा ड्यूटी कर रहा था तो कहता है कि मम्मी बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो ये जल्दी नाश्ता बनने वाला है। इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आलू गर्म थे तो मैंने जल्दी जल्दी छीला था। वो उसको ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो भूख तो लगती है। अब 1 बजे 1:30 बजे खाना खाने के बाद में भूख तो लगती है, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो ये चटनी बनाई है मैंने हरी, इसके साथ सिर्फ ये धनिया की चटनी है और इसमें मैंने पुदीना वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। इसमें हरी मिर्च चटपटा चाहिए था ना, तो मैं इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि गर्मी है ना, लाल मिर्च हम यूज़ बहुत कम करते हैं और हरी मिर्चों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया हरी मिर्च और चटनी बना के, और ये मैंने बनाई चटनी। हाँ, तो आरती मेरे से कुछ बोल रही थी तो इसको भी भूख लग रही थी, और ये बोली बुआ जी मैं बनाती हूँ वीडियो, तो मैंने कहा चलो बना ले। ये वीडियो बनाई है इसने। और छुट्टियाँ पड़ गई हैं इसकी, तो इसने कुछ ना कुछ शैतानी करनी करनी है बस। ये मैंने ब्रेड को ना काट लिया, ये ब्रेड मैंने एक गिलास की उससे काट के ले लिया। ये ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये भी ना जो बनाया मैंने ये वेस्ट नहीं जाएगा, आसपास की जो किनारी है इसको मैं इसका ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, ये भी इसी में यूज़ हो जाएगा। इसमें कैसे यूज़ होगा मैं वो आगे बताऊँगी आपको, वीडियो पूरा देखें। तो इसको मैंने कैसे यूज़ किया है वो मैं आगे बताऊँगी। और अब मैं बनाऊँगी इसमें हरी चटनी। ये मैंने डाला इसमें मिर्च, धनिया, जीरा और सूखा धनिया के बीज, इसमें खटाई, नमक, और बस हमारी चटनी होगी बनके तैयार। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला इसमें, थोड़ा सा ही मटेरियल से मैंने चटनी को बनाया है, क्योंकि घर पे जो सामान था उसी से मैंने बनाया, मैंने बाहर से कुछ नहीं लिया। पुदीना नहीं था तो कोई बात नहीं। और चटनी हमारी हो गई बनके तैयार। और ये देखो चटनी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बढ़िया चटनी। तो सभी बनाते होंगे गर्मियों में, तो चटनी का काम ही है, चटनी मिल जाए बस। और ये आलू हैं, आलूओं को मैंने मैश कर लेना, सारे आलू नहीं लूँगी क्योंकि हम 4-5 ही लोग हैं, तो 4-5 ही बनाऊँगी, इससे पेट भर जाएगा, थोड़ा सा शाम को खाना बन जाएगा। इसमें मैंने बेसिक से मसाले हैं जो नमक, मिर्च, धनिया, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दो तो बहुत टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और ये आलू बहुत अच्छे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च, धनिया हरा, सूखा धनिया, चाट मसाला, ये सारे मसाले डाल के रखे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये गर्मी में ना लंबा दिन होता है तो भूख लगती है। अब मैंने इसमें मिलाया ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड हमारे बचे हुए थे उसका मैंने चूरमा बना लिया, उससे मैंने बनाई ये, इसका मिला के एक। अब ये हमारा जो आलू की चटनी है ये बनके हो गई है तैयार। इसमें हल्की सी मिर्च डालूंगी लाल, बाकी मैंने हरी मिर्च की चटनी बनाई है उतनी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा भी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला काला नमक और चाट मसाला,
जो चाट मसाले का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत टेस्टी है। और उस दिन मैंने जो बनाया था मसाला, उस मसाले को मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मैं अपने लिए निकाल लूंगी, उसके बाद में बच्चों को मिला के दे दूंगी, उसका भी टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। और ये मैंने लिया थोड़ा सा मक्खन, मक्खन लेने के बाद में, और मैंने तवा रख दिया गरम करने, गैस कुकर दिया चालू, और मैं अब बना रही हूँ ब्रेड के नाश्ता। इसके बनाएंगे हम जैसे गोल गोल टिक्की सी, ना मोटी ना पतली, बिल्कुल मीडियम बनाएंगे जो कि हमारे ब्रेड के ऊपर सही से आ जाए, इतनी बनानी है। अब हमने टिक्कियों को बना लिया और सिखा गई है गाड़ी सीखने, जब वो आएगी उसके लिए मैं अलग बना दूंगी, मैं रख ही रखूंगी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दूंगी। अगर इसको आप डीप फ्राई करेंगे ना तो भी ये टेस्टी लगेगा, अगर आप गर्मी है तो गर्मी में ऐसे खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके ऊपर लगाई चटनी, चटनी के बाद में मैंने इसको रख देना ऐसे, और जिधर से मैं चटनी रखूँगी लगाऊंगी और आलू रखूँगी ये मैं इधर से सेकूँगी, ब्रेड की तरफ से नहीं, तो इसमें आपस में चिपक जाएंगे ये। ऐसे ही दूसरे को भी तैयार कर लूँगी। ये हल्का फुल्का नाश्ता आप इसको ना बच्चों के टिफ़िन में डाल के भी दे सकते हैं, ये टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप टिफ़िन में डाल के दोगे ना बच्चे खुश हो जाएंगे, अलग सा हो जाता है थोड़ा, रोज़ वही परांठे वही पूरियां कचौरियां, तो उसके उससे ना हल्का फुल्का खाने के लिए सबसे बेस्ट है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने फिर से मक्खन लगा दिया, आप चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं इसको, तेल में भी सेक सकते हैं, आपका मन है। मेरा मन है कि आज मैं इसको ऐसे बनाऊँ, कभी कभी मैं इसको तेल में भी सिकाई कर लेती हूँ, इसकी डीप फ्राई कर लेती हूँ, मतलब जब ठंड में, गर्मियों में नहीं, गर्मियों में मैं हमेशा यही बनाती हूँ। कई बार शाम को भूख लगती है छोटी मोटी, तो उसके लिए सबसे अच्छा नाश्ता है। चाय मैं पीती नहीं, चाय मैंने दी है छोड़, गर्मियों में बिल्कुल चाय नहीं लगाती हूँ। और तो बस अब इसको सीख जाएगा, सीखने के बाद में मैंने डाली ये इस पर सॉस, अगर आपके पास में मीठी चटनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, आपके पास में दही है तो वो भी लगा सकते हैं, तो लेकिन मैंने दही मीठी चटनी नहीं, मैंने सॉस और खट्टी चटनी लगाई है। मज़ा आ गया खाने का इसका। तो ये देखो अब ये मैं बच्चे को दे दूँगी क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लग रही है, और मैं धीरे धीरे बनाती रहूँगी बाद में। तो ये देखो मैंने चटनी ली और उसको मैं दे दूँगी, वो बड़े आराम से खा लेगा और शाम को फिर खाना खा लेगा, बस हो गया अपना काम। तो बच्चों से बढ़ कर के आए, जब बच्चे मांगते हैं तो फिर ये देखो कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखो आपको नहीं लगेगा कि कुछ और खाना है इसके बाद, बार बार ना आप यही बना के दोगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला ही है, और टाइम भी नहीं लगता इसको आप फटाफट से, और ये अच्छे से चिपक जाता है टिक्की ये। ये आगे रखी है, सिखाएगी तो सिखा के लिए भी बना के दूंगी मैं। और इधर ये बन के तैयार हो गया, मैं ये बेटे को दे दूंगी। ये देखो कैसी लग रही है मेरी रेसिपी, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ब्रेड घर में होते हैं सारी चीज़ें, मसाला जो भी घर में होता है उसी से ये बन जाता है, इसको इसके लिए आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर घर में ये चीज़ें होती हैं, तो उससे आसानी से बन सकता है। अगर आप मीठी चटनी डालोगे इसके ऊपर तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा, पर मेरे पास आज मीठी चटनी नहीं थी, ख़त्म हो चुकी है, तो मैं दोबारा से बना के रखूँगी क्योंकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। ये सबसे गर्मियों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है। इसके बाद में ये दोबारा से मैं इसके ऊपर सेक रही हूँ, कितना परफेक्ट ये सिक के तैयार हुआ है।
दोनों साइड से बहुत अच्छा सिक गया है। थोड़ा सा इसको दबा देंगे। तो यहाँ सिखा आ गई थी तो सिखा के लिए बना रही हूँ अब मैं, और ये आ गई थी तो इसके लिए भी सेक के दे देती हूँ। बच्चों के लिए मैं दे चुकी हूँ, बेटे के लिए तो मैं दे चुकी हूँ, और बस अब इसके लिए बना के दे दूँगी। तो शाम का हमारा ये नाश्ता है बिना चाय के, और वो पीता है ग्रीन टी, वो कॉफ़ी पीता है ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी के साथ में वो खा लेगा। और ये थोड़े से बच्चे थे तो मैंने चलो बना के दे देती हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको पसंद नहीं आ रहा, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करूँगी। आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे पता चलता है। इससे कुछ नहीं होता, बस इतना है कि पता चलता है कि हमारा जो वीडियो बनाए वो अच्छा बनाए। और आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं करते हो, बताते नहीं हो, तो नहीं पता चलता कि हमने क्या बनाया है। तो ये